नमस्कार प्रणाम दोस्तों, आज मेरा दिल फिर से हुआ एक बार खुश और आप लोग की वजह से मैं और भी हुई आगे। तो फिर से मेरे पास मीडिया वाले आए हैं और काफ़ी लोग भी आए हैं, दूर दराज से आए हैं मिलने, घूमने टहलने और हमें देखने। तो मैं आज बहुत खुश हूँ। तो आज फिर से हमसे एक न्यूज़ वाले मिलने आए हैं, तो आज इनसे मैं कुछ बातें करूँगी कि क्या वजह है जो हमारे पास आए हैं, ऐसा हम में क्या है कि जो हमारा इंटरव्यू लेने आए हैं, ऐसा क्यों है जो बार बार हर एक तरह के मीडिया वाले मेरे न्यूज लेने आते हैं। तो आज मैं इनसे बात करूंगी। तो स्वागत है भैया मेरे चैनल में आपका। दोस्तों नमस्कार। आज मैं इसलिए दीदी के पास आया हूं कि इन्होंने एक हमारे पर पोस्ट डाला था जिसमें इन्होंने अपील की। माइक कहाँ है? माइक कहाँ है? मीडिया वाले हैं, माइक कुछ दिखाना चाहिए ना, माइक दिखाइए। मैं शादी करना चाहती हूँ। तो बहुत सारे कमेंट आए कि शादी करना चाहते हैं, तो आज ये दीदी इस ब्लॉग में बताएंगे कि कैसा लड़का चाहिए और अपना नंबर भी शेयर करें। हाँ जी जी, आप अपना माइक निकालिए। बिल्कुल, मैं माइक निकालता हूँ और देखते हैं आपका माइक। और ढेर सारी बातें हैं। ये देखिए मेरे पास एक यूट्यूबर बैठी हैं, क्या नाम है जी चैनल का? राधिका यादव 0170। राधिका यादव 0170 बहनी, महा गजब इनकर चैनल एक नाम बा। आ देखा तो नहीं है, खाए के हाथी भाई हैं। हमारा भी सपोर्ट करिए। का खात हो? ए चावल खाए था एकदम हाथी है, मोटा नहीं है। हाँ तो हर दुल्हन है का? या या तू तो बहनी गानक निहात कह दे हो। दोबर पातर पिया में विटामिन की कमी है। हाय के हाय हो? है रसगुल्ला है इधर भैन है, ये तो एकदम रसगुल्ला भैन। अरे रसगुल्ला के फेल करत बा सढ़ुआइन इनके गाल तोहर ससुरारी में। तो इनका माइक आ गया है। तो ये है। तो नमस्कार दोस्तों, पूर्वांचल दर्पण न्यूज में सभी का मैं स्वागत करती हूँ। तो आज मैं खुद एक मीडिया वाले से सवाल करूंगी। दोस्तों बताना, मीडिया वाले का काम मैं कर सकती हूँ कि नहीं, आप लोग कमेंट करके बताना। तो बताइए, जो लोग बोलते हैं, जो लोग क्या, गोरख यादव, ठीक, गोरख यादव बोलते थे कि, इधर बैठिएगा तो सब आएंगे, गोरख यादव बोलते थे कि रंजना यादव पैसा लेके इंटरव्यू देती हैं। तो ये बात सही है, ये बात 100% सही है। आप मीडिया वाले हो, आप भी जानते हो, जो मेरा इंटरव्यू लेके जाते हैं वो भी जानते हैं। तो बात इसमें यह है क्योंकि मैं अपने घर पे बुलाने से पहले ही तय कर लेती हूँ, भैया मैं इतना पैसा लूंगी तब मैं इंटरव्यू दूंगी, क्योंकि भाई मेरी मजबूरी है, मेरा रीजन है। क्योंकि मीडिया वाले आते हैं, उल्टी सीधी बातें पूछते हैं, उल्टा सीधा काम करवाते हैं, तो इसीलिए मैं पैसा का डिमांड कर देती हूँ। भाई मेरा टैलेंट है, मैं दिखाऊंगी तो पैसा लूंगी ही जरूर। तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, जो मीडिया वाले हमारा इंटरव्यू लेके जाके गांव-गांव में कहते हैं कि वो तो ये है वो है, पैसा लेके इंटरव्यू देती है, बताइए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, आप अपनी कला का पैसा लेती हैं और हर आदमी अपनी कला का, अपने काम का पैसा लेता है। आपका यही काम है, आप पैसा लेती हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जी जी। और जब आदमी पहले तो बता देता है कि मुझे इतना पैसा चाहिए, उसके बाद मैं इंटरव्यू दूंगी, तो इसमें सामने वाले को कोई प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए। जी जी। और जो गलत सही बातें लगाते हैं उनसे मेरा यही कहना है। तो दोस्तों जैसा कि ये पत्रकार है, आप लोग देख सकते हैं, इनका ये है पूर्वांचल दर्पण न्यूज नाम से इनका चैनल है। तो मैं ये कहना चाहूंगी, ये भैया बहुत धीमे बोलते हैं, मेरे मोबाइल में इतना धीमे आवाज नहीं लेती है। तो मैं ये कहना चाहूंगी, मीडिया वाले खुद एक बदतमीज होते हैं, आते हैं उल्टे सीधे क्वेश्चन क्यों पूछते हैं। नहीं, आप सारे मीडिया वालों पे आरोप नहीं लगाइए ऐसे। कुछ कौन कौन बड़ा भल मनाई है जौनपुर में, मीडिया वाला जौनपुर से लेके इलाहाबाद तक लेके कौन है? जो भी लोग आते हैं, जो भी लोग आते बोलते ये टैलेंट दिखा दो, वो टैलेंट दिखा दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, मेरा चैनल चलने लगेगा, वो आवाज साइलेंट करो, मेरा चैनल चलने लगेगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो बताइए, तो मैं क्या करूँ? तो मैं पैसे का डिमांड नहीं करूंगी, तो मैं भी पैसे का डिमांड करके इंटरव्यू देती हूँ, तो इसमें गलत क्या है? तो यही सारी बातें हैं। तो जो भी लोग आप मेरे पास भी आते हैं न्यूज लेने, मैं उनका कवरेज करती हूँ अच्छे से। तो आप कहाँ से आए हैं? जौनपुर से। बता, आप खाना वाना नहीं खाए पिए हैं क्या? नहीं खाए हुए हैं। आपके शरीर में दम नहीं है क्या? कहा है, लोग मुझे बोलते हैं कि तुम यादव के नाम पे कलंक हो, मैं तो आपको बोल रहे हैं आप आदमी के नाम पे कलंक हो। थोड़ा जोर से बोलो, थोड़ा दहाड़ के बोलो। गोरख यादव बोल रहे थे कि सारे मीडिया वाले जो हैं रंजना यादव के पास जा जाके इंटरव्यू ले रहे हैं, रंजना यादव कमीनी है, उनका इंटरव्यू नहीं लेना चाहिए,
वो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा था गोरख यादव सिंगर कि रंजना यादव का इंटरव्यू ना लिया जाए। गोरख यादव बड़े भाई हैं, मैं उनको कुछ नहीं कह सकता। फिलहाल वो एक समाजवादी कार्यकर्ता भी है और सच्चे कार्यकर्ता है। और जो मुझे वो कमीनी कहते हैं वो तो मना किए हैं मीडिया वालों को कि रंजना यादव का इंटरव्यू ना ले। क्यों कहा है? गोरख यादव से इस बारे में पूछा जाएगा, उनका इंटरव्यू लिया जाएगा, क्यों कहा है। और हाँ, मुझे कमीनी बोले थे ना, मैंने भी उनके लिए वीडियो बना के डाला था कि आ गोरख यादव, तेरे सामने थी मैं, वंदना दुबे के स्टूडियो में थी मैं, आमने सामने मेरे मिला था, जो तुझे कहना था तू कहता, तो मैं तेरे जवाब देती। पीठ पीछे न्यूज में बुराई कर रहा है, तो मैंने भी उसको ढेर भला बुरा कहा था, तो उसने मेरे पास कॉल किया, कॉल करके गलती माना, बोला रंजना जी हमसे गलती हो गई, और जो भी मीडिया वाले आपसे उल्टे सीधे सवाल पूछते हैं हम उनके खिलाफ खड़े होंगे। हम तब हम उनसे बोले कि आप किसी के भी खिलाफ खड़े हो, मुझे उससे प्रॉब्लम नहीं है, आपने जो बोला मेरे विषय में वो गलत बोला, मैंने उसके लिए आपको बोला, आप भाई बिरादर थे, आप यादव थे, अगर आप दोगला से पैदा नहीं हुए थे तो आप मेरे आमने सामने बोलते। तो गोरख यादव ने उसके लिए मुझसे गलती माना है, हाथ जोड़ा है, विनती किया है, मेरे पैर पे पड़े थे गोरख यादव जी कि रंजना यादव हमें माफ़ कर दो, हो सके तो वीडियो डिलीट कर दो। तो मैंने उनको बोला कि मेरा यूट्यूब चैनल कोई गाजर मुरई का खेल नहीं है कि जो मैं वीडियो डिलीट कर दूँ। तो नमस्कार दोस्तों, इसी को लेते हुए मैं जो है कि अपना न्यूज समाप्त करती हूँ। मेरा न्यूज आप लोगों को कैसा लगा कमेंट राय में बॉक्स में कमेंट करके बताना, और जो भी मैंने कहा अच्छा कहा बुरा कहा कैसा कहा क्यों कहा आप लोग वो भी कमेंट करके बताना। रसगुल्ला ए रसगुल्ला का हाल बा? ठीक बा दोस्तों, ये देखो रसगुल्ला है और ये रसगुल्ला की मामी है। दोस्तों हमारा भी सपोर्ट करिए, इनका भी सपोर्ट कर देना भाई। इनके चैनल का नाम है राधिका यादव 0170 ना। हाँ, तो इनके भाई ये चैनल का सपोर्ट कर देना। मैं गांव-गांव घूम के सपोर्ट करती हूँ, सबका भला करती हूँ। मेरी भलाई का चर्चा लोग नहीं करते हैं, सिर्फ बुराई का चर्चा करते हैं। मेरे समझ से तो वो लोग ही बुरे हैं जो सिर्फ बुराई का चर्चा करते हैं। कितना मेहनत करती हूँ मैं, कितना संघर्ष करती हूँ, उसको नहीं लोग ध्यान देते हैं। बाय। चलिए दोस्तों, मेरा गला सूखने लगा, गले में दर्द हो रहा है, क्या करूँ मैं, बाय।